दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद तो आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं शम्सुद्दीन कट पर सुपर शम्स वाशिंग पाउडर की तरफ से ये हम सारी काविशें तजर्बे दोस्तों को दिखा भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। रात को यूट्यूब पे एक दोस्त ने टेलीफोन मतलब मैसेज भेजा। उन्होंने लिखा, भाई ये मैं दिखा भी देता हूँ ना भाई, आप क्या एटम बम बना रहे हो क्या? 50 वो जो बना चुके हो वाशिंग पाउडर पे, ये देखो भाई, आप वाशिंग पाउडर बना रहे हो या एटम बम बना रहे हो? ये कोई एहसान लगारी साहब है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कमिश दी। लगारी साहब, मैं वाशिंग पाउडर 2 साल पहले बना चुका हूँ। देखो रेसिपी एक मरतबा बनती है, आदमी खर्चा करके तजर्बे करके। मैंने तकरीबन 1.5 साल 2 साल तजर्बे करने के बाद मैंने एक रेसिपी सेट की है। जैसे लक्स साबुन की रेसिपी है, 80 तकरीबन 50 साल से मैं देख रहा हूँ वही रेसिपी है। जैसे कोका कोला की रेसिपी है, पेप्सी की रेसिपी, वो चेंज नहीं होती। इस तरह मेरी रेसिपी अलहमदिल्ला आप दोस्तों के पास या यूट्यूब पर पड़ी हुई है। मेरी रेसिपी फाइनल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वाशिंग पाउडर का एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ, स्पेशल ब्रांड। ये मेरा स्पेशल ब्रांड है, ये नॉर्मल ब्रांड। तो नॉर्मल ब्रांड फ़िलहाल मैंने बंद किया हुआ है, क्योंकि मैं ये कह लूँ कि भाई आप अपने मयार को कम नहीं करो, केमिकल महंगे हो गए, इसलिए उसको बंद किया हुआ है। ये मेरा सेल होता है, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, ये मेरा साइड बिजनेस है। इस कारोबार में मेरा इन्हसार नहीं है। फैक्ट्री बेहतरीन बना के मैंने रखी है, जो दोस्त खरीदते हैं मैं ये देता हूँ। ठीक है जनाब अली, अब आप कहते हो कि आप फैक्ट्री तो लगाइए जनाब, आप लेक्चर क्यों देते हो? लेक्चर इसलिए देता हूँ कि जो हम ये केमिकल सारे मिक्स करके जब ये वाशिंग पाउडर बनाया, अब इन केमिकल का फंक्शन, एक्शन, रिएक्शन कैसे कंपाउंड बनते हैं, उसके एक्शन क्या है, उसके रिएक्शन क्या है, ये सब सिखाते हैं। ये जब हम केमिकल सारे मिक्स करते हैं उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज होता है। तो इसी तरह का पाउडर देखो, ये देखो ये पाउडर बन गया। ये न्यूट्रलाइज किया तब पाउडर बना। कैसे न्यूट्रलाइज किया भाई? एक्सेट को और बेस को मिला के, ये देखो ये मेरा पाउडर है। ये मैंने, हालांकि मैंने शाशे से निकाले, ठीक है ना, शाशे से निकाले हैं, ये पाउडर है। अब देखो ये बेहतरीन प्रोडक्शन में लेके आया हूँ। अब पड़ी जो लेता है उसको हम बना के दे देते हैं ऑर्डर पे, ठीक है जनाब अली। इसका देख फंक्शन, इसका रिएक्टर जो है ना DSO से पानी करता है, इसको झाग में कन्वर्ट करता है, फोमिंग बनाता है। क्यों बनाता है? उसमें फोमिंग एजेंट पड़े हुए हैं। आइए तो हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये 10 ग्राम जनाब अली, ये मेरा पाउडर है। ये 1 किलो जनाब अली, इसमें ये पानी है, देखो ये 1 किलो पानी, ठीक है जनाब। इस 1 किलो पानी में ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम हम यू करके डालेंगे, डाल दिया, ठीक जनाब अली। अब देखते हैं इसकी दाल कितनी बनी। एजेंट की वजह से, रिएक्शन की वजह से ये रिएक्ट करते हैं। कोवेलेंट बांड हो, कोयलिक बांड हो, ये डीएसोसिएशन होते हैं पानी में, तो झाग बनती है। ये झाग बन गए, ये मेरा वाशिंग पाउडर है, स्पेशल ब्रांड, ठीक है। इसमें जनाब अली मैं डालता हूँ CP 10% है, सोडा एच 50% है, SLES 3% है, सिलिकेट है तकरीबन 5%। ये मेरे इसका पाउडर का रिजल्ट है।
एक किलो पानी में 10 ग्राम जनाब अली वाशिंग पाउडर, ये मेरा पाउडर है, ठीक है जनाब अली। अभी मैं इसका आपको पीएच भी चेक करना दिखाता हूँ, ठीक है जनाब, ताकि इत्मीनान हो जाए कि इसका पीएच क्या है। ये पीएच पेपर है, ठीक है जनाब अली। अब हम इसको, इससे पट्टी निकालिए, ये पट्टी हम यहाँ पानी में लेके जाएंगे, वो ये बच्चा नहीं है तो खुद ही करना पड़ता है। ये देखिए, ये पीएच है 11, ये यहाँ रख देता हूँ, आपको ये कलर मैच करा के दिखा देता हूँ। ये देखो, पीएच 11 है। इसमें वाशिंग, मेरे जो पाउडर है मेरा, इस वाशिंग पाउडर का जो पीएच है 11 है। आपने झाग देख ली, एक मयार सेट किया, मयार सेट करने के बाद इसको मैंने फाइनल रेसिपी करके मैंने हमेशा के लिए फिक्स कर दिए, तो मेरी प्रोडक्शन भी चल रही है। लेक्चर सिर्फ इसलिए मैं देता हूँ ताकि दो लफ्ज कोई दोस्त सीख सके। ये झाग का मयार देखो, यह अलग 10 रुपये शाशे वाला है, ठीक है ना, ये देखो ये झाग। तो मैं तो लगर साहब को समझ आ चुका होगा मेरी रेसिपी, मेरे प्रोडक्शन का मयार, खुशी होती है दोस्त पूछते हैं। बाकी ये जो हम लेक्चर देते हैं, इसका फंक्शन सिर्फ हम ये है कि भाई इस केमिकल का एक्शन क्या है। तो जनाब ये आज हम सुपर शम्स वाशिंग पाउडर को चेक कर रहे थे, उसके मयार को चेक कर रहे थे और उसकी प्रोडक्शन को चेक कर रहे थे। उम्मीद तो आपको ये समझ आ चुका होगा, ये सुपर शम्स वाशिंग पाउडर, इसका मैंने रेट रखा है 200 रुपया किलो मार्केट में, और होलसेल हजरात को 150 में देता हूँ, ठीक है जनाब अली। उम्मीद तो आप इस मेरी छोटी सी काविश से ज़रूर मुतमिन हो चुके होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे ना चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि दूसरे भी दोस्त जो है फ़ायदा उठा सके, या शेयर करो तो दूसरे भी दोस्त इसको देख सकें। आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी।